और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन स्पीकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष गठबंधन आमने सामने हो गए हैं। जिस तरह से 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए आज सुबह 11 बजे चुनाव होगा, बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने डेप्यूटी सीएम पद की मांग की है। इस पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया, जिससे नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को तारा है। आंकड़ों को देखते हुए साफ है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस को लगता है कि उसके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर कैंडिडेट ही उतार दिया है। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब स्पीकर पद पर चुनाव होने जा रहा है। इस सबके बीच इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस केंद्रीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता ईश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर साहब से जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से कैंडिडेट खड़े हैं और चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, क्या लगता है? देखिए, आज स्पीकर पद के लिए चुनाव होता हुआ नजर आए और दोनों पक्षों की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, ओम बिरला को आज जो है उम्मीदवार बनाया गया है और उसके साथ साथ विपक्ष की बात करें तो के सुरेश जो है विपक्ष की तरफ से मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर चुनाव जो है स्पीकर पद के लिए देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि डिवीजन ऑफ कोर्ट में आज जो बात की जाए तो जो विपक्ष है वो जो है या फिर कहें कि कांग्रेस जो है नहीं जाती हुई जो है नजर आएगी और इसके साथ साथ सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आखिर तक जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो देने के लिए आज सरकार है वो तैयार हो जाती है तो आज जो नामांकन है वो वापस भी किया जा सकता है, ये जो है फिलहाल सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात करें तो सुबह 11 बजे जो स्पीकर पद के लिए चुनाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और स्पीकर पद के चुनाव में जीतने के लिए 271 वोटों की जो है जरूरत होती है और अगर इसको संख्या बल के हिसाब से देखते हैं तो एनडीए के पास इस वक्त जो लोकसभा में 293 संख्या देखने को मिलती हुई नजर आती है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 233 संख्या जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है और एक सीट क्योंकि वायनाड की खाली होती हुई नजर आई है, इसलिए ये जो वोटों की जरूरत है वो 271 हो गई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो प्रोटेम स्पीकर है वहां से ये जो पूरा जो आमने सामने की स्थिति है विपक्ष वर्सेज सत्ता पक्ष वो जो है शुरू होती हुई नजर आई थी और उसके बाद जो है ये आगे जो है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई और हर मसले पर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हमने देखा कि कई दौर की वार्ता के बावजूद जो आम सहमति है स्पीकर पद के लिए वो नहीं बनती हुई नजर आई और विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ रहा कि अगर जो है आम सहमति के तहत जो है स्पीकर बनाना है तो जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको देना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र के 72 साल बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखना होगा, 11 बजे का समय है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टकरार होगा।